हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे जहाँ पे टाटा अलेक्सी की। तो दोस्तों, जहाँ पे कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो चलिए डिटेल में कवर करते हैं कि हमारे पास जो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कैसे हुए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ। तो 59,500 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हमारे पास 55,000 लाख का था, लास्ट ईयर था 43,000 लाख। तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में हमें ऑल ओवर इंक्रीज़ देखने को मिला, चाहे क्वार्टर की बात कर लें चाहे ईयर बेसिस की बात कर लें। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के, हमारे पास जो है टोटल इनकम। तो हमारे पास जो कंपनी की टोटल इनकम है वो 59,700 लाख की, जो कि लास्ट क्वार्टर में 57,000 लाख की, लास्ट ईयर थी 43,000 लाख। तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम भी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद टोटल एक्सपेंसिस की बात करें, तो 42,000 लाख एक्सपेंस है, जो कि पहले से इंक्रीज़ हुए हैं। लास्ट क्वार्टर 42,100 लाख के थे, लास्ट ईयर 32,000 लाख। तो यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 17,000 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। 15,000 लास्ट क्वार्टर में था और 10,000 था लास्ट ईयर। देन उसके बाद बात करते हैं कंपनी के मेन प्रॉफिट की, मतलब कंपनी के सभी टैक्सेस निकाल के जो मेन कंपनी का प्रॉफिट आया वो 12,000 लाख का, लास्ट क्वार्टर में था 11,000 लाख, लास्ट ईयर था 7,000 लाख। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, क्वार्टरली वाइज भी और ईयरली बेसिस पे भी। देन चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के अर्निंग की। और तो अर्निंग कंपनी के 20 रुपीज़, लास्ट क्वार्टर में थी 18 रुपीज़, लास्ट ईयर थी 12 रुपीज़ या 67 पैसे। तो यहाँ पे कंपनी की अर्निंग भी हमारे पास इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 17,000, जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया। एसेट्स की बात करें तो देखिए कंपनी के टोटल एसेट्स 1,71,000 लाख के, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,71,669। तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास कंपनी टाटा अलेक्सी के रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ कंपनी ने अनाउंस किए हैं। कंपनी का हमारे पास रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को जरूर मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।